नमस्कार दोस्तों सो so फ्रेंड्स एक बार फिर से वैकेंसी यहाँ पर रिलीज कर दी गई स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पद इस भर्ती के विज्ञापन में जारी कर दिए गए दोस्तों ये ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पढ़ें। ये जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो जारी हुआ कंटेनमेंट बोर्ड देहरू रोड तो दोस्तों पुणे महाराष्ट्र की तरफ से ये रिक्रूटमेंट छावनी परिषद द्वारा जारी कर दिया गया और ऑल इंडिया कैंडिडेट इन वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपकी रहने वाली है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है केंद्र सरकार के तहत वर्क करता है और इसी डिपार्टमेंट के तहत ये वैकेंसी आई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की ये जॉब आपकी रहेगी तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सबसे पहले आप लोग सारी पोस्ट यहाँ पर देख लें कौन कौन से पद यहाँ पर शामिल किए गए तो यहाँ टेबल में देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है इसमें एक पद है अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एक पद है स्टाफ नर्स की भी पोस्ट है स्टाफ नर्स के पांच पद यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं और देखिए एज लिमिट यहाँ पे कॉमन रखी गई है इक्कीस से तीस साल तो ट्वेंटी वन टू थर्टी सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा सैलरी पैकेज की जानकारी भी आपको बता दी गई तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए बेहतरीन सैलरी पैकेज आपको दिया जाएगा करीब करीब पैंतीस हज़ार रुपये से आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे शुरू होगी और करीब करीब एक लाख बारह हज़ार चार सौ रुपये तक ये आपकी सैलरी यहाँ पे जाएगी इसके बाद देखिए एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन एक ही पद है अनरिजर्व कैटेगरी में फार्मेसिस्ट की यहाँ पे पोस्ट है तो फार्मेसी ऑफिसर की पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में एक ही पद है ड्राफ्ट्समैन की यहाँ पे पोस्ट है अनरिजर्व में एक पद है और सब ओवर सीयर की यहाँ पे देखिए एक ही पोस्ट अनरिजर्व में यहाँ पर शामिल कर ले गई और भी इसमें यहाँ पे देखिए पद है तो क्लर्क की यहाँ पे पोस्ट है कंपाउंडर की इसमें यहाँ पे एक पद है अंरिदर्व में पेंटर की पोस्ट है इसमें अंधेदर्व में एक पद है कारपेंटर की पोस्ट है अं में एक पद है प्लंबर की पोस्ट में भी अंडे दर में एक पद है मेसन की पोस्ट में अंडे दर में एक पद है ड्रेसर की पोस्ट में भी अंडे दर में एक पद है माली यहाँ पे पोस्ट है देखिए गार्डनर की पोस्ट है अंडे दर में यहाँ पे दो पद यहाँ पे शामिल कर लिए गए वार्ड आया तो उसमें दो पद यहाँ पे शामिल किए गए अंडे दर में है और एक ओ में वार्ड बॉय की पोस्ट भी है चार पद हैं दो पद ओ में है दो पद यहाँ पे अंडेदर्व कैटेगरी में रहेंगे इसके बाद आप लोग देख सकते हैं वॉचमैन की पोस्ट है ओबीसी में एक पद है सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है इसमें अंधे में एक पद है सफाई कर्मचारी मीस क्लीनर की पोस्ट है इसमें बीस पद यहाँ पे शामिल किए गए सभी कैटेगरीज में मिला के ये बीस पद यहाँ पे रहेंगे एज लिमिट देख सकते हैं इक्कीस से तीस साल यहाँ पे रखी गई सैलरी पैकेज की जानकारी भी इसमें आपको यहाँ पर दे दी गई है इसमें दोस्तों देखिए क्वालिफिकेशन मैं आपको मेन मेन पोस्ट के बारे में बता देता हूँ तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए डिप्लोमा जी का आप लोगों से मांगा जा रहा है और यदि आपके पास बैचलर डिग्री है मिस बीएससी नर्सिंग की डिग्री है तो भी अप्लाई कर पाएंगे किसी भी राज्य का किसी भी स्टेट का नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा या फिर आपके पास डिग्री है तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर दें स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आपको रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए फार्मेसी ऑफिसर की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए फार्मेसी में आपको यहाँ पे डिग्री चाहिए और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए पड़ेगा तो किसी भी राज्य का फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे पद हैं कंपाउंडर की पोस्ट में भी देखिए फार्मेसी में डिप्लोमा आप लोगों से यहाँ पर मांगा जा रहा है और जो सब ओवरसियर की पोस्ट है इसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए जो है ड्राफ्ट्समैन का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पेंटर कारपेंटर प्लम्बर मैसन और ड्रेसर सब में जो है दसवीं कक्षा पास होना आपका यहाँ पे जरूरी है और आईटीआई आई आपको संबंधित पोस्ट में आप लोगों को यहाँ पे चाहिए पड़ेगा ड्रेसर की पोस्ट के लिए आईटीआई आई आपको नहीं चाहिए आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स इसमें ड्रेसर का मांगा जा रहा है इसके बाद देखिए माली की जो पोस्ट है इसमें दसवीं कक्षा पास हो एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स मांगा जा रहा है देखिए वार्ड आया वार्ड बॉय और वॉचमैन तो इनमें आपको सिर्फ़ जो है दसवीं कक्षा सिंपल जो है आपको टेंथ क्लास पास होना आपका ये जरूरी है दसवीं कक्षा पास है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए बारहवीं कक्षा पास होना जरूरी है और सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स आपसे मांगा जा जाना सफाई कर्मचारी के लिए सातवीं कक्षा सिर्फ आप लोगों को पास होना ज़रूरी बोला गया है तो सेवन्थ क्लास अगर आप लोग पास हैं या फिर आप लोग दसवीं कक्षा पास हैं बारहवीं कक्षा भी पास है ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं सर्टिफिकेट कोर्स वाले कैंडिडेट हैं आईटीआई कैंडिडेट्स हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है इन वैकेंसीज़ को आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और कैसे अप्लाई करना है लास्ट डेट क्या रहेगी तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आपको दे दिया गया है तो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ तो इसी पी फाइल में बारहवें नंबर का ये पेज है ट्वेल्थ नंबर का आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा आपको सारी जानकारी इसमें आप लोगों को प्रोवाइड करानी होगी आपकी बेसिक डिटेल कम्युनिकेशन डिटेल क्वालिफिकेशन डिटेल और जो भी अदर डिटेल्स हैं सब इसमें आपको यहाँ आप पे जानकारी देनी है और दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये भेज देना होगा कहाँ पर भेजना है लास्ट डेट क्या रहेगी तो यहाँ पर देखिए आपको बता दिया गया लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशंस शुड रीच टू द ऑफिस ऑफ द कंटेनमेंट बोर्ड तो ये पूरा पता आपको दे दिया गया है आपका इस पते पर आवेदन पहुंच जाना चाहिए लास्ट डेट भी देख लें आपको 31 जनवरी 2023 शाम के 6 बजे तक का समय आपको दे दिया गया है और दोस्तों देखिए इसके लिए आपको एनविलअप भेजना होगा मीस लिफाफे में कुछ इस तरीके से आपको मैंशन करना है कि किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और आपकी कैटेगरी क्या रहेगी तो ये लिफाफे के ऊपर आपको कंपलसरी लिखना ही होगा और देखिए माध्यम आपको बता दिया गया ऑर्डिनरी पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट तो ऐसा मेरा यहाँ पे माना है कि ऑर्डिनरी पोस्ट से ना भेजें स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें जल्दी आपका आवेदन पहुंच जाएगा और ये दोस्तों देखिए आप लोगों का जो है ये पूरा एड्रेस ये रहने वाला है इस पते पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं फोटो कापी का सेट ये आपको सेल्फ अटेस्ट करके मीन स्वयं प्रमाणित करके आपको भेजना होगा और सीरियल नंबर नाइन में आपको जानकारी मिल जाएगी नाइन में आपको यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई तो देखिए नाइन्थ नंबर का पॉइंट है ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बता दी गई है ये फोटो कॉपी का सेट सेल्फ अटेस्ट करके ये आपको भेजना होगा अभी अभी मेरी नज़र यहाँ पे जो है फीस के पोर्शन पे भी पड़ी तो देखिए फ़ीस की जानकारी भी इसमें आपको दे दी गई है इसमें आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा किसके नाम पर बनवाना है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इसमें यहाँ पर मिल जाएगी और नेशनलाइज बैंक मीन राष्ट्रीयकृत बैंक में, में जाके आप लोग अपना जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे और कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन देख लें जनरल के जो कैंडिडेट हैं सात सौ का ओ बी सी ई डब्ल्यू एस है आपको सात सौ का एक्स सर्विसमैन जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तीन सौ पचास रुपये का फीमेल किसी भी कैटेगरी की है साढ़े तीन सौ रुपये का एस सीज़ एस टीस पी एच और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स हैं आपको थ्री फिफ्टी रुपीज़ का ये डिमांड ड्राफ्ट किसी भी नेशनल बैंक में यह आप लोग जाके आप बनवा लें और ये डिमांड ड्राफ़्ट को भी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और जो भी आपका फ़ोटो कापी का आ, सेट है सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना है और ये डिमांड ड्राफ़्ट यह सारी जानकारी आपको आ, आपको एनविलफ़ में यह आपको सेंड करके भेज देनी है और, और एनविलफ़ में किस तरीके से आपको मेंशन करना है एनविलफ़ के ऊपर तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दी और अप्लाई करने की लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी 31 जनवरी 2023 तो ये अपडेट कैसा लगा आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरीके की आगे की वैकेंसीज की जानकारी के लिए पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो के नीचे जाएँ सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक करें ऑल इंडिया नर्सिंग और पैरामेडिकल हर वैकेंसी की जानकारी आगे भी पाते रहें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थैंक यू सो तो मच